हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास थ्री का चैप्टर नंबर थ्री रोमन नंबर पढ़ाने वाले हैं हम। पिछले क्लास में आपको बताया गया था कि नेक्स्ट वीडियो आपका चैप्टर थ्री रोमन नंबर पे होगा। चलिए देखते हैं। पैटर्न है अपना, इसमें रोमन नंबर के कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, स्पेशल डिजिट्स को मैंने लिखा है। जैसे आई को 1 बोलते हैं, वी को 5 बोलते हैं, एक्स को 10 बोलते हैं, एल को 50 बोलते हैं, सी को 100 बोलते हैं, डी को 500 बोलते हैं और एम को 1000 बोलते हैं। चलिए समझते हैं इसको स्पेशल कैरेक्टर क्यों कहा जाता है। आपको इसको समझाते हैं कि स्पेशल कैरेक्टर क्यों कहा जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको रोमन नंबर में किस प्रकार से लिखेंगे। रोमन नंबर से आई किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वन को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, टू को डबल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, थ्री को ट्रिपल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर को हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको बाद में क्लियर करेंगे। क्यों करेंगे वो आपको बताते हैं। फाइव को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे जो स्पेशल कैरेक्टर में वी है फाइव, वो यहाँ पे आ गया। अब ये स्पेशल कैरेक्टर क्यों है ये आप समझिए। स्पेशल कैरेक्टर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे थ्री को मैंने थ्री आई से रिप्रेजेंट किया, फोर को जब हम चार आई से रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको बोलना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, थोड़ा सा ऑड लगेगा देखने को। फोर आई अगर हम इस प्रकार से एक दो तीन चार आई लिख देते हैं तो ये थोड़ा सा ऑड लगता है देखने में, इसलिए हम इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फाइव जो है, फाइव को हम रिप्रेजेंट करते हैं वी से, तो फाइव के पहले की जो संख्या है उसको रोमन नंबर में हम लिखते हैं सब्ट्रैक्ट करके, यानी कि फाइव है, फाइव का रोमन नंबर हो गया वी, और फाइव से पहले आता है फोर। कितना पहले फोर आता है, तो वन पहले फोर आता है, तो आई लगा देते हैं पहले, यानी कि फाइव में से वन माइनस हो गया तो हो गया फोर, ठीक है। जब भी रोमन नंबर से स्पेशल कैरेक्टर के पहले कोई संख्या लगती है तो वो सब्ट्रैक्ट होती है, बाद में वही संख्या लगती है तो ऐड होती है। तो यदि यहाँ पे हम आई भी लिखते हैं, यानी कि फाइव में से एक कम, पहले की तरफ लिखे हुआ है सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी बी में से वन सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो कितना बच रहा है, फाइव में से वन सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो फोर बच रहा है। अब उसी संख्या को अगर हम बाद में लिखते हैं, जैसे फाइव होता है, फाइव का होता है बी, इसके आगे अगर हम आई लिखते हैं, यानी कि हम प्लस कर रहे हैं, हटा नहीं रहे, क्या कर रहे हैं, एक जोड़ रहे हैं, तो एक जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। फाइव में वन प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिक्स, तो बी आई। इसीलिए इसको कहा जाता है स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर के पहले कोई संख्या लिखी जाती है, कोई यदि हम यहाँ पे x है, x का वैल्यू होता है 10, इससे पहले अगर हम i लगाते हैं यानी कि हम घटा रहे हैं, 9 लिख रहे हैं, एक संख्या घटा करके लिख रहे हैं, तो 10 में से एक घट रहा है तो हो रहा है 9। अगर हम इसके आगे की तरफ लिखते हैं एक संख्या आई लगाते हैं तो यानी कि इसमें एक हम जोड़ रहे हैं, यानी 10 में 1 ऐड कर रहे हैं तो हो जा रहा है मेरा 11। इसीलिए ये कहलाते हैं स्पेशल कैरेक्टर। इसको याद कर लेंगे और लिखने के विधि को समझ लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5 से हम क्वेश्चंस ले रहे हैं, आपको एक्सरसाइज 5 कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपैरिजन करना, बड़े और छोटे के बीच में कंपैरिजन करना रोमन नंबर में, आई भी बॉक्स भी आई, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम पता लगाएंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। कंपैरिजन करने का मतलब होता है कि बड़े और छोटे के बीच का अंतर होता है ना, कि बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। तो सबसे पहले इसको देखेंगे कि ये कितना है, तो भी है, भी से पहले लगा हुआ है एक आई, तो क्या होगा सब्सट्रैक्ट होगा, भी का वैल्यू होता है 5 और आई का वैल्यू होता है 1, तो 5 में से 1 सब्सट्रैक्ट हो गया तो ये हो गया मेरा 4। यहाँ पे भी के बाद में लगा हुआ है आई, यानी कि ऐड हो रहा है, 5 में 1 ऐड हो रहा है तो ये हो गया 6। तो कौन सी बड़ी संख्या है, ये बड़ी संख्या हमारी, इसको इंडिकेट कर देंगे हम, ठीक है। ये चीन आपको मालूम है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या और बराबर की संख्या से इसको कंपैरिजन किया जाता है, ऐड किया जाता है, सॉरी इंडिकेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, असेंडिंग ऑर्डर आप पढ़े हुए हैं छोटे से बड़ी संख्या की तरफ, इसको अरेंज करना है, आई भी कॉमा भी ट्रिपल आई कॉमा भी आई और भी डबल आई, ठीक है। इसको अरेंज करना है, सबसे पहले इसको हम लिख लेंगे हिंदू अरेबिक सिस्टम में, यानी नंबर में, जो नंबर में हम पढ़ते हैं उस नंबर में इसको लिख लेंगे सबसे पहले। तो ये है हमारा 4, ये है हमारा 8, ये है 5, ये है 6 और ये है 7, ठीक है। आप हमको अरेंज करने में कोई परेशानी नहीं होगी। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा संख्या लिखा जाता है, सबसे छोटा संख्या हमारे पास है 4, लिखेंगे आई भी कॉमा, उसके बाद 5 भी कॉमा, 6 भी आई कॉमा, भी डबल आई 7 कॉमा और भी ट्रिपल आई 8। ये अरेंज हो गया मेरा असेंडिंग ऑर्डर में, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा, तो हम इसी को अपोजिट कर देंगे, बड़ा से छोटा की तरफ अरेंज कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐड 5 + 2, इसका जो ऐड करने के बाद आंसर आएगा वो लिखना है आपको रोमन नंबर में। थोड़ा सा डिफरेंट था, सिर्फ ऐड नहीं करना, इसको रफ में ऐड कर लेते हैं, 5 + 2 = 7, आंसर आएगा इसका 7। तो यहाँ को 7 नहीं लिखना है, रोमन नंबर 7 लिखना है, तो भी डबल आई, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये डाउट्स में आपके ये डाउट्स क्लियर हो गए हैं एक्सरसाइज रोमन नंबर के एक्सरसाइज 5 से, रोमन नंबर चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है, ये आपको कंप्लीट कर लेने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका एक्सरसाइज सॉरी चैप्टर 4 एड इन एंड सब्सट्रैक्शन के बारे में डिटेल में बताएंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस है जो क्लियर करने होंगे, और ध्यान से वीडियो देखेंगे। इससे पहले आप एक्सरसाइज कंप्लीट करके रखेंगे, एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद जो प्रॉब्लम्स होंगे उसको कमेंट बॉक्स में, या लाइव क्लासेस भी आपके चल सकते हैं, उस लाइव क्लासेस में हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपका चैप्टर 4 का होगा, तब तक आपको प्रीवियस वीडियो प्रीवियस सारे एक्सरसाइज सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है। थैंक यू।